This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। दिल्ली में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारत मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना जताई है। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। आज ही के दिन 26 साल पहले भारत ने परमाणु शक्ति को हासिल किया था। चौथे चरण का प्रचार आज थम जाएगा। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान है। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। सुबह 6:16 पर भूकंप आया था। कर्नाटक में भाजपा नेता और वकील देवराजी गौड़ा को पुलिस ने शुक्रवार को शारीरिक उत्पीड़न और यौन शोषण के मामले में हिरियूर के पास हिरासत में ले लिया। जब वह बेंगलुरु से चित्रदुर्ग की ओर जा रहे थे तो हिरियूर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 7 से 9 मई तक मुंबई सीमा शुल्क ने 11.62 किलोग्राम से अधिक सोना और आईफोन जब्त किए हैं। 18 मामलों में 7.84 करोड़ रुपए और 7 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध का निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेन के खार्किव इलाके पर कब्जा करने के लिए आज से जंग की शुरुआत कर दी है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले उन्होंने हमीरपुर में रोड शो किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार के दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वे पूरी तरह से फ्लॉप शो के हीरो है। कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। जेल से रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता के साथ कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। बता दें कि केजरीवाल 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 11 मई को कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के पास परमाणु बम है वाले बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पोस्ट कर जानकारी दी है कि चुनाव प्रचार के लिए वो रायबरेली पहुंच गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 में नामांकन के लिए मेरे ही हस्ताक्षर लिए थे, लेकिन वो अब मुझे बाला साहेब ठाकरे का नकली बेटा और मेरी पार्टी को नकली शिवसेना कहते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में कुल 8 लोग घायल हुए हैं। उत्तर मध्य मुंबई सीट पर 27 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 15 निर्दलीय है। यह उज्जवल निकम और वर्षा गायकवाड़ के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अजित गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। इसकी एक तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। पुणे की एक विशेष अदालत ने 11 साल पहले हुए नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में फैसला सुनाया है। इस फैसले में दोषी पाए गए 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के निवेश वाली कंपनी गोडेजेट जनरल इंश्योरेंस का IPO 15 मई को खुल रहा है। प्रोड्यूसर एकता कपूर भले ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ से सभी को अपडेट रखती है, लेकिन वे पर्सनल लेवल पर लाइमलाइट से दूरी बनाकर रखना पसंद करती है। एकता सिंगल है और एक बच्चे की माँ है। अब हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि वे दोबारा माँ बनने वाली है। बिग बॉस शो में नजर आए कंटेस्टेंट अब्दुल रोजिक ने अब अपने जीवन का एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सगाई कर ली है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी शेयर की है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबीसीएन न्यूज़। नमस्कार।